मैं फिल्म स्लैम सूर्य होता आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। तानाजी का लाइफ टाइम कलेक्शन यहाँ से कितना होगा, ये सवाल अगर आपके मन में है तो इन सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और जितना हो सके उतना लॉजिकल बात करूंगा। और ये वीडियो आखिर तक देखिएगा अगर आपको इसके लाइफ टाइम कलेक्शन के बारे में अभी भी बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है या आप जानना चाहते हैं कि कहां तक लाइफ टाइम कलेक्शन पहुंचेगा। दोस्तों से कलेक्शन में दो हफ्ते से बता रहा हूँ, तीसरे हफ्ते का भी बता रहा हूँ, वीकेंड का भी बताया मैंने। और इस फिल्म ने इतना सरप्राइज किया है ट्रेड को, प्रोड्यूसर्स फिगर्स जो भी आया है, ट्रेड फिगर्स जो भी आया है, दे आर ब्रिलियंट, दे आर एक्सीलेंट। फिल्म इज डूइंग वेल अहेड ऑफ इट्स टाइम और बहुत अच्छा कर रही है, बढ़िया कलेक्शन कर रही है। और आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, शायद जो मैंने बहुत पहले बताई थी, जब तानाजी का ट्रेलर मैंने उसके ट्रेलर लॉन्च पे गया था, मैं आई वॉज देयर एट तानाजी ट्रेलर लॉन्च। ट्रेलर देख के मैंने कहा ये फिल्म आग लगाएगी बॉक्स ऑफिस पर। मैं उसी इवेंट से जस्ट निकल ही रहा था उसी दिन और मैं लिफ्ट में था, वहीं पीवीआर जू में हुआ था इसका ट्रेलर लॉन्च, अब दोपहर के टाइम पे और याद है। तो उसी लिफ्ट में ओम राव जो इस फिल्म के डायरेक्टर है वो थे। डायरेक्टर को मैंने यही कहा, सर आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है, ये धमाल करेगी, बहुत बढ़िया चलेगी। उन्होंने यही मुझे रिप्लाई किया, गॉड इज सो काइंड टू फॉर अस या गॉड इज सो काइंड टू मी, यानी कि मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा भगवान ने अभी तक किया है, आगे भी अच्छा करेगा। आई मीन ही से कि मतलब उसके कहने का मतलब, वो कहने का मतलब यही था कि आपकी बात सही हो, हम भी वही चाहते। सो माय वर्ड टू हिम, उन्हें आपको से याद नहीं रहेगा, मैं एक भीड़ में एक बंदा एक अचानक कोई बोल दिया कि भाई आपकी फिल्म चलेगी, मेरे हिसाब से उनके हिसाब से वही हूंगा मैं, बट मैं श्योर था कि फिल्म चलेगी। और फिल्म देखकर स्पेशली लास्ट का क्लाइमेक्स सीन देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्त, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं फिल्म के रिव्यूज कई दिनों से लिया हूं और किसी भी फिल्म का 17 डे का रिव्यू शायद मैंने अभी तक नहीं लिया था, लेकिन इस फिल्म का लिया और हाउसफुल था फिल्म, राइट। एक बुजुर्ग लेडी देखी रिव्यू देते वक्त, मतलब उनका बेटा उन्हें लेकर जा रहा था, बहुत बुजुर्ग थे, मैं भी 80+ पक्का थी, उनसे पूछा मैंने, कोशिश किया मैंने उनकी भी राय जानना चाहता हूँ फिल्म देखने आई है, कि नॉर्मल उस तरह के बुजुर्ग बहुत ज्यादा फिल्म नहीं देखते हैं, आप सबको पता है मेरा 17 डे का जो रिव्यू है उसमें देखने बुजुर्ग लेडी है। और उन्होंने बहुत इमोशनल तौर पे कहा कि है ना कि साल के इस आखिरी पड़ाव में, मतलब जिंदगी इस आखिरी पड़ाव में मैंने इतनी अच्छी फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी फिल्म है। तो ये है इस फिल्म की ताकत, एक बढ़िया फिल्म है और एक बढ़िया स्टोरी के साथ बनी है और इसलिए लोग इस फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं। अब जहां तक बात करें लाइफ टाइम प्रेडिक्शन की, तो उसके बारे में बात करता हूं। यहां पर 228.96 करोड़ यानी 229 करोड़ ऑलरेडी इस फिल्म ने कमा ली है 18 दिनों में। और आज का कलेक्शन आते आते यानी कि 19 दिन का ये कलेक्शन हो जाएगा करीबन 232 करोड़ के आसपास, ठीक है। और इसके अलावा बुधवार और गुरुवार बचेगा, राइट। और बुधवार गुरुवार को भी अगर 4-4 करोड़ का प्रेडिक्शन पकड़े तो यानी कि कुल मिलाकर 240 करोड़ यहां पर हो जाएंगे। उसके बाद चौथा वीकेंड होगा और चौथा वीकेंड में भी कलेक्शंस बेहतर होंगे क्योंकि हैप्पी हार्डी और हीर है, कोई बड़ी फिल्म है नहीं तो दिक्कत नहीं होने वाली है। पंगा भी नहीं चल रही है यहाँ पे, ये फिल्म भी नहीं चल रही, क्या हम कहते हैं हमारी जो कौन सी फिल्म है ना, स्ट्रीट डांसर भी नहीं चल रही, तो उसका भी पूरा फायदा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर साफ है कि फोर्थ वीक भी इसके लिए काफी खाली रहेगा और कुछ नहीं तो उस फोर्थ वीक में ये फिल्म 35 करोड़ से 40 करोड़ के बीच में कमाई कर लेगी, यानी कि 275 से 80 करोड़ तक 4 वीक में हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। पांचवे वीक भी स्क्रीन रहेगी इसके पास, छठे वीक भी इसके पास स्क्रीन रहेगी और महाराष्ट्र में फिल्म चलती रहेगी। तो हर हाल में मैं इस फिल्म के लिए जो सोच रहा हूं वो 290 करोड़ से 300 करोड़ का लाइफ टाइम सोच रहा हूं। मेरे हिसाब से ये फिल्म 300 करोड़ कमा सकती है और मेरे से 80% मुझे इस बात पर यकीन है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपकी क्या राय लगती है, कहां तक इसका कलेक्शन जाएगा जरूर बताएं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो उनकी पहली फिल्म होगी, बहुत दिल से लग रहा है, जो 300 करोड़ कमाने में कामयाब होगी।